आपकी दोस्त हानिया हफीज। आज हमारे साथ मशहूर तजियानिगार मोहम्मद आमिर मौजूद है। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करके कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी? जी आमिर, आपकी क्या राय है? जी बहुत शुक्रिया हानिया हफीज कि आपने मुझे अपने शो पे मदऊ किया ताकि मैं कश्मीर के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकूँ। हानिया, सबसे पहले तो एक जो मेन चीज़ है वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस टाइम एक फासिस्ट और एक डिक्टेटर और सेकंडली एक हिटलर का किरदार अदा कर रहे हैं। आरएसएस और नरेंद्र मोदी की जो एक मिली भगत के साथ उनकी काविश है, कोशिशें हैं कि वो एक मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके को एक अकलियत में बदल सकें ताकि जो कश्मीर वादी जन्नत नज़ीर है वो इंडिया का हिस्सा बन सके। तो इंशाल्लाह वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमें इंटरनेशनल मीडिया से और दीगर तरीक़ों से जो आजकल हमारे पास सामने न्यूज़ आ रही हैं कि 40 रोज गुजर गए हैं कर्फ्यू को, वहाँ पे हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई किन मुश्किलात में हैं ये हमारे सामने आ रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी जो है वहाँ पे ग़ज़ाई किल्लत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अदवियात ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। इसमें इन सबसे हट के एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फ्यूचर, लोगों का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि आपके सामने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बांधे सामने। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये कभी भी अपने मकासद में, नापाक मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। शुक्रिया आमिर, क्या मैं अपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।